आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है इन अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान जो फ्री एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, जीरो रहेगी। ओके, तो फ्रेंड्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो गिब्स फ्री एनर्जी रहती है, ओके, गिब्स फ्री एनर्जी जिसे हम डिनोट करते हैं बाय डेल्टा जी, वो रहती है हमारी नेगेटिव व्हेन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ओके, एंड जो सराउंडिंग की एनर्जी रहती है, जो एनवायरमेंट की एनर्जी रहती है, वो रहती है हमारी पॉजिटिव। ठीक है, तो तभी जो है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो पाती है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ओके, तो जब डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होती है या वो डिक्रीज होती है, तब जो है हमारी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है। ओके, एंड जब डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव रहती है, तब जो हमारी रिएक्शन है वो रहती है नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके ओके, एंड जीरो जब रहती है तो हमारा स्टेट आ जाता है इक्विलिब्रियम का। ओके, जीरो जब रहती है तो हमारा स्टेट आ जाता है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा है कि जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।